हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो। आज बना रहे हैं यूनिकॉर्न केक। सबसे पहले हॉर्न बनाएंगे। हॉर्न बनाने के लिए ये मैंने व्हाइट फोंडेंट लिया है। व्हाइट फोंडेंट को अच्छे से पहले मल लेंगे। फोंडेंट को इस तरीके से रोल कर लेंगे। और अब एक स्टिक लेंगे, पतली साइड है उधर से इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। हल्का सा दबा देंगे। अब इसको एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और अब इसके बनाएंगे ईयर्स। फोंडेंट को पहले हल्का सा मल लें, थोड़े से कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर लेंगे। अब इसको बेलेंगे। थोड़ा मोटा ही बेलें। दो बड़े पीस चाहिए और दो छोटे पीस चाहिए। इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे। अब इसको भी इस तरीके से मोड़ करके सेट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बोर्ड लेंगे। बोर्ड के ऊपर हल्की सी क्रीम को लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद केक बेस को रखेंगे। बोर्ड क्लीन रहे इसके लिए मैं इसके ऊपर बटर पेपर के पीसेस लगा दे रही हूँ। चॉकलेट केक के स्पंज की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से शुगर सिरप लगाएंगे, जिससे कि केक एकदम सॉफ्ट बने। मैंने अच्छी तरीके से सोक कर दिया है। आप इस तरीके से छू करके देख लें, पूरा अच्छी तरीके से गीला होना चाहिए। इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। व्हिप्ड क्रीम में थोड़ी सी चॉकलेट गिनाश मिलाया हुआ है मैंने। की कवरिंग जो करेंगे, जो ऊपर की लेयर करेंगे, वो हम व्हाइट कलर की करेंगे। थोड़ा सा चॉकलेट गिनाश डालेंगे, जिससे कि अंदर से एकदम चॉकलेटी लगे। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। शुगर सिरप से कोट करने के बाद क्रीम डालेंगे। अब लास्ट लेयर को रखेंगे, शुगर सिरप डालेंगे। और नीचे चॉकलेट गिनाश नहीं डाला था, भूल गई थी। चॉकलेट गिनाश की लेयर डालेंगे। अब लास्ट लेयर को लगा देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे। अब क्रम्ब कोटिंग करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर की जो लेयर देनी है वो व्हाइट कलर की देनी है, इसलिए क्रीम को कम ही लगाएंगे। केक को करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि जो क्रीम है वो सेट हो जाए अच्छी तरीके से। और जो पेपर है उसको निकाल देंगे और बोर्ड को भी अच्छे से साफ कर देंगे। केक सेट हो चुका है, करीब आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब केक के ऊपर व्हाइट क्रीम से कोटिंग करेंगे।
अगर आपको लगता है कि केक की जो शेप है एकदम क्लियर नहीं आ पा रही है, तो आप इसके लिए उबलता हुआ पानी लें, उसमें स्पैचुला को डिप करें। डिप करने के बाद इसको पोंछ लें इस तरीके से, इसको घुमा दें। बोर्ड को साफ कर देंगे। अब इस पर डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग करने के लिए चार कलर की क्रीम ली है, येलो, ब्लू, पिंक एंड पर्पल। ये मैंने स्टार नोजल लिए हैं। जो भी डिजाइन आपको बनानी हो उस हिसाब से आप नोजल ले लें। इसी तरीके से आप और भी कलर मिक्स कर सकते हैं इसमें। कितना सुंदर ये केक बन करके तैयार हो रहा है आप देख सकते हैं। ये मैंने फोंडेंट के फ्लावर लगाए हैं। ये हमारी आइसिंग पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब ये मैंने ब्लैक फोंडेंट लिया है। इस तरीके से स्टिक बना लेंगे पतली पतली। इस तरीके से आइज लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी आईज भी बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सेट हो गए। मैंने इसमें टूथपिक लगा दी जिससे लगाने में आराम से आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा गोल्डन डस्ट ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। बिल्कुल एक दो बूंद डालें वेनिला एसेंस के, ज़्यादा ना डालें। पूरा अच्छी तरीके से कोट हो गया है गोल्डन डस्ट से। यूनिकॉर्न केक बनकर के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।